हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो ऊ की मात्रा के लिए। ऊ की मात्रा के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं। इसके पहले भी जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें आपको मैंने आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के बारे में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लेना, तो आपको ये स्टार्टिंग से अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग स्टार्ट करते हैं। कु के यू, खु के एच यू, घु जी यू, घु जी एच यू। सभी में जो क ख ग घ मैंने आपको बताया था कि सब में आप मात्रा के अकॉर्डिंग यू लगा देंगे तो ये ऊ की मात्रा का वर्ड हो जाएगा। तो कु, खु, घु, घु। इसी तरह से अपन नेक्स्ट चार्टशीट देखेंगे, वो च की है। तो च की चार्टशीट स्टार्ट करते हैं। चू, सी एच यू, छू, सी एच एच यू, जू जे यू, झू जे एच यू। इसी तरह से आप कॉपी में बना लें, कॉपी में इनको लिख लें और पूरे पेज पे इसको रिटर्न वर्क करवाएं और आप लर्न करवाएं तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बार ये याद हो गए तो फिर आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा, इंग्लिश को लिखने में बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू। टू के लिए टी यू, टू, टी एच यू, डू, डी यू, डू, डी एच यू। ओके, इसी तरह से आप एक 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 शब्द को कॉपी पे आपकी लिखते रहें और इसको याद करवाते रहें तो क्लियर हो जाएगा। टू, टू, डू, डू, सेम ये की लाइन चलेगी लेकिन वो टू के लिए लगेगी। टू की और टू की लाइन सेम चलती है। तो टू के लिए टी यू, टू के लिए टी एच यू, डू के लिए डी यू, धू के लिए डी एच यू, नू के लिए एन यू। क्लियर, टू की और टू की लाइन सेम होती है तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट है आपका पी। पू के लिए पी यू, फू के लिए पी एच यू, बू के लिए बी यू, भू के लिए बी एच यू, मुँह के लिए एम यू। ओके, इसी तरह से पू, फू, बू, भू, मुँह। आप कोई भी शब्द बनाएंगे तो उसमें जो वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आप मात्रा लगाएंगे तो आपका वो शब्द या नाम लिखाएगा, वो क्लियर लिखाएगा इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका यू। यू के लिए वाई यू, रू के लिए आर यू, लू के लिए एल यू, वू के लिए वी यू, शू के लिए एस एच यू। वापस से रिपीट करती हूँ। यू के लिए वाई यू, रू के लिए आर यू, लू के लिए एल यू, वू के लिए वी यू, शू के लिए एस एच यू। नेक्स्ट है आपकी चार्टशीट शू की। शू के लिए एस एच एच यू, शू के लिए एस यू, हू के लिए एच यू, शू के लिए के एस एच यू, थ्रू के लिए टी आर यू, क्यू के लिए जी वाई यू। इसी तरह से आप एक एक जो मात्रा मैंने बताई है उसको कॉपी में लिख लें और बार बार उसको बच्चों को याद कराएं, और जो बच्चे हैं इसको एक एक बार पुश कर देखें और याद करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको इंग्लिश में नाम लिखने में और इंग्लिश को पढ़ने में हेल्प करेगा। ओके डियर, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।